हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस दिखने वाले हैं FDM और TDM के बीच। तो ये एक नेटवर्किंग का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। अब मल्टीप्लेक्सिंग के हमको टोटल चार टाइप्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से दो टाइप है FDM और TDM। तो आज इन्हीं के बीच में डिफरेंस देखेंगे। FDM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड TDM स्टैंड्स फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आप देखते हैं इनके डिफरेंस को। फ्रीक्वेंसी शेयर्ड इन FDM एंड टाइम शेयर्ड इन TDM। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी को ही मेनली शेयर किया जाता है बहुत सारे मल्टीपल सिग्नल्स के बीच। लेकिन वहीं अगर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पर टाइम को शेयर किया जाता है, यानी कि हर एक सिग्नल को एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया जाता है। तो इससे अगर हम FDM और TDM के डेफिनेशन को देखें, इन FDM द ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स ट्रांसमिट ओवर ए कॉमन लिंक। तो यहाँ पर FDM के अंदर बहुत सारे मल्टीपल जो सिग्नल्स होते हैं उनको बहुत सारे फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है और उन सभी को वन बाय वन एक कॉमन लिंक के थ्रू ही ट्रांसमिट किया जाता है। और वहीं अगर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें, इन TDM मल्टीपल डेटा सिग्नल्स विद डिफरेंट टाइम डोमेन्स ट्रांसमिट ओवर ए कॉमन लिंक। तो TDM के अंदर जितना भी सिग्नल्स होता है, यानी कि पार्टिसिपेंट्स, उन सभी को डिफरेंट टाइम डोमेन्स यानी कि डिफरेंट टाइम अलॉट किया जाता है और उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर उनको ट्रांसमिट किया जाता है ओवर ए कॉमन लिंक या तो ओवर ए कॉमन मीडियम। अब अगर सेकेंड डिफरेंस को देखिए, FDM यूज ओनली एनालॉग सिग्नल्स एंड TDM यूज डिजिटल सिग्नल्स एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स। तो FDM के अंदर हम सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स का ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन TDM दोनों तरह के सिग्नल्स को ही सपोर्ट करता है। अब थर्ड डिफरेंस है, द वायरिंग ऑफ FDM इज कॉम्प्लेक्स एंड द वायरिंग ऑफ TDM इज सिंपल। तो FDM के अंदर जितना भी वायरिंग या तो चिपसेट से रिलेटेड टास्क होता है वो सारा का सारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन जो TDM का वायरिंग वगैरह होता है वो सारा सिंपल फॉर्म में किया जाता है। अब जो फोर्थ डिफरेंस है, हमको FDM के अंदर कोई भी तरह का सिंक्रोनाइजेशन नीडेड नहीं होता, लेकिन TDM की बात करें तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का नीड रहता है। अब जो फिफ्थ डिफरेंस है, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एन FDM इज हायर एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ TDM सेटअप इज कंपैरेटिवली लोअर देन FDM। तो यहाँ पर जो TDM का ओवरऑल कॉस्ट होता है वो FDM के मुकाबले बहुत ही कम होता है, यानी कि FDM मोर कॉस्टली है देन TDM। तो फिलहाल के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बीच डिफरेंस को देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।